दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हो कि आप बिना एटीएम कार्ड के कैसे फोन पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यानी दोस्तों अगर आपके पास कोई भी एटीएम कार्ड नहीं है और अगर आप फोन पे का फुल यूज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक स्टेप बाय स्टेप जरूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको फुल जानकारी देने वाले हूँ कि कैसे आप फोन पे अकाउंट क्रिएट कर सकते और कैसे आप इस फोन पे अकाउंट के साथ बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना किसी बात की स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना किसी बात की स्टार्ट करते। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर फोन पे का जो एप्लीकेशन है इसको हमको डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पर फोन पे हमें इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हम फोन पे एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है। तो दोस्तों अगर आप फोन पे एप्लीकेशन को यहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको हो सकते हैं कैशबैक भी मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर फोन पे का लिंक यहाँ पर दे दिया है तो आप वहाँ पर जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमें क्या करना है ध्यान से सुनिए। दोस्तों इसके बाद हमें सिंपली फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर योर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको दे देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोसेस पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको 5 डिजिट का एक ओटीपी आ जाता है और उसके बाद आपके जो नंबर है वो वेरीफाई हो जाता है। देन उसके बाद आपको क्या करना है चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फोन पे का एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो हमारे सामने आ चुके। तो यहाँ पर हमारे नंबर पे फोन पे अकाउंट क्रिएट हो चुके। तो दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि फोन पे अकाउंट को यूज करने के लिए आपको एक बैंक अकाउंट लिंक करना जरूरी है। तो बैंक अकाउंट को कैसे लिंक करते हैं चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपके पास अगर एटीएम कार्ड नहीं है तो भी आप फोन पे का यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, ऊपर में जो आप कॉर्नर में देख रहे हैं लोगो दिख रहा है यहाँ पर प्रोफाइल पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुके ऐड बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर सिंपली हमें बैंक अकाउंट को जोड़ने के लिए यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए बोल रहे हैं, जोड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जो नंबर में फोन पे अकाउंट क्रिएट किया है तो उस नंबर हमें कौन से बैंक के साथ लिंक है उस बैंक को हमारे यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सभी बैंक अकाउंट का लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो भी आपको बैंक अकाउंट है यहाँ पर से आप देख सकते हैं या फिर यहाँ पर सर्च करके भी आप बैंक अकाउंट को जोड़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे सिंपली जो है यहाँ पर ICICI बैंक है तो यहाँ पर हम ICICI बैंक को यहाँ पर जोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर ICICI बैंक के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो नंबर है यहाँ पर शो कर रहा है। तो दोस्तों आपका नंबर जो बैंक अकाउंट के साथ लिंक है वो नंबर आपको कौन सी सिम पे है तो सिम स्लॉट 1 या फिर 2 आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो बैंक है उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक को वेरीफाई करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट UPI ID। दोस्तों अगर आप पहले से कोई भी UPI ID नहीं क्रिएट करें तो यहाँ पर आपको सिंपली एक UPI ID को क्रिएट कर लेना है। देन दोस्तों यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं प्रोसेस टू ऐड, दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे कि आप प्रोसेस टू ऐड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट UPI पिन, दोस्तों यहाँ पर सिंपली हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर हमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड का जो नंबर है यहाँ पर देने को बोल रहा है। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी एटीएम कार्ड नहीं है और आप बिना एटीएम के फोन पे अकाउंट चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर जो डेबिट एटीएम कार्ड यहाँ पर कोई भी डिटेल्स नहीं देना है, यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है इस क्रॉस पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर कट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट मेथड टू बैंक अकाउंट यहाँ पर ICICI बैंक यहाँ पर लिंक हो चुके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम बिना एटीएम कार्ड के भी यहाँ पर ICICI बैंक को लिंक कर चुके हैं हमारे फोन पे अकाउंट के साथ। तो दोस्तों ऐसे करके बिना एटीएम कार्ड के फोन पे का फुल यूज कर सकते। तो दोस्तों मैं कहते हैं वीडियो को काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों मैं कहते हैं वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।